वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स सोनम्स क्रिएशन। फ्रेंड्स, आज एक सोफ़ी का कवर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैंने 3 फैब्रिक का यूज़ किया है। एक ब्लैक कलर की साड़ी का जो जॉर्जेट वाला फैब्रिक होता है वो है, तो उसके नीचे लाइनिंग का यूज़ किया है। और एक पिंक कलर का मैंने फैब्रिक यहाँ पर लिया है, थोड़ा चमकीला फैब्रिक है जो पिंक कलर का है। तो मेज़रमेंट के लिए हम यहाँ पर 2 तरीके यूज़ करते हैं, 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट, आप फैब्रिक को सीधा रख लेंगे और जितना आपका फैब्रिक की लेंथ आती है उतना मार्क कर आप कट कर सकते हैं। सेकंड, आप ऐसे कर सकते हैं कि आपका पास कोई सोफ़े का कवर है उसको रखकर आप मेज़रमेंट ले सकते हैं। और थर्ड, आप सीधा इंची टेप से मेज़रमेंट ले सकते हैं। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर एक मार्क किया है, जो कि एक 8 इंच पर और एक 15 इंच पर। मैंने यहाँ पर 2 लाइन ड्रॉ करी है, सीधी सीधी लाइन की है, 2 लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है, एक इंच 8 इंच पर और सेकंड मैंने 15 इंच पर। तो ये लाइनें हमने क्यों किस वजह से किया है वो आगे मैं आपको दिखा दूँगी। तो और दूसरा, जो अब ये जॉर्जेट वाला फैब्रिक है ये मैंने रखा है, और जो मैं आप लोगों को बताती हूँ जितना हमें फैब्रिक चाहिए होता है उतना मैं मार्क करूँगी और इसको भी मैं कट कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने 3 इंच के करीब की स्ट्रिप ली है, जिससे मैं फ्री डालने वाली हूँ। तो ये 3 इंच की चौड़ाई है इसकी, और लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपको फ्रिल छोटी डालनी है बड़ी डालनी है। अब ये ब्लैक कलर का जो जॉर्जेट का फैब्रिक था, इसके नीचे मैंने लाइनिंग का कपड़ा लिया है। लाइनिंग का मेथड हमेशा सेम होता है, आपको फैब्रिक रखना है और चारों तरफ से सिल के ने थोड़ा सा साइड छोड़ देना है और वहाँ से हमें उसको रिवर्स कर लेना है। अब हमने जो लाइनें लगाई थी उस पर हमें क्या करना है, उस पर हमें ऐसे फ्रिल बनानी है, फ्रिल को रखना है लाइन के ऊपर और हमें सिल देना है और उसको बाद में नीचे की तरफ लटका देना है। काफ़ी वीडियोस में ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि फ्रिल हम कैसे लगा सकते हैं। फ्रिल बेसिकली 2 तरीक़ों से लगती है, एक हैंड स्टिच जो हाथ से हम बनाकर सीधा अटैच कर सकते हैं, दूसरा हम सीधा मशीन से उसको अटैच कर सकते हैं। तो आज जो मैं यूज़ कर रही हूँ फ्रिल का मेथड, वो मैं डायरेक्ट मशीन से उसको फैब्रिक के साथ जोड़ दूँगी। तो बस जो लाइनें हमने ड्रॉ की थी, लाइन ड्रॉ करने का रीज़न एक ये था कि जो फ्रिल हम लगाएंगे वो हमें इधर टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी और ईज़िली हम उसको उस लाइन के ऊपर रखते हुए जल्दी से हमारी फ्रिल लग भी जाएगी। तो लाइन अगर आप ड्रॉ कर लेंगे तो वो काफ़ी इजी हो जाएगा फ्रिल लगाना हमारा। तो हमने फर्स्ट जो 2 लाइनें की थी तो एक फ्रिल हमने लगा लिए, तो दूसरी लाइन पर भी हम सेम वही प्रोसेस रिपीट कर फ्रिल को अटैच कर देंगे। आप हाथ से फ्रिल बनाकर भी इस लाइन के ऊपर फ्रिल को जोड़ सकते हैं, आपकी पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से फ्रिल लगाने जा रहे हो। तो कुछ इस तरीके से दोनों फ्रिल हमने अटैच की है, जो कि नीचे की तरफ जो 2 लाइनें हमने ड्रॉ की थी उस पर हमने छोटी छोटी फ्रिल लगा ली है। फ्रिल की लेंथ, फ्रिल की विड्थ आप अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हो। उसके बाद हम बना लेंगे कुशन का कवर। सेम प्रोसेस हमने बनाया है, यहाँ पर कुशन रखा है और इसको उस चौड़ाई में हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पर भी मैं हाफ हाफ कर मार्क कर लूँगी, पूरे कुशन का जो हाफ आता है वहाँ पर 2 लाइनें मैं लगा लूँगी। यहाँ पर भी 2 लाइनें लगाने का रीज़न यही है कि इधर भी हम फ्रिल को अटैच करेंगे। सेम वैसे ही हमने जैसे कवर में फ्रिल अटैच की है वैसे ही इसमें अटैच करेंगे, ताकि हमारा कुशन हमारे सोफे की कवर से मैच करता हुआ लगे। तो ये फ्रिल मैंने लगा ली है, 2 कुशन के कवर मैंने यहाँ पर बनाकर रेडी कर लिया है। कुशन कैसे बनाते हैं ये मैंने काफ़ी वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आए और पूरा प्रोसेस अगर आपको देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से वीडियो वॉच कर लीजिएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा सोफ़े का कवर बनकर रेडी है। ये मैंने आप लोगों को 3 सीटर सोफ़े का कवर बनाकर दिखाया है। सेम प्रोसेस से आप 5 सीटर सोफ़े का कवर भी बना सकते हैं। अगर हैंड रेस्ट आपको बनाना नहीं आता तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उससे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो लीजिए, हमारा प्यारा सा कवर बनकर, फ्रिल वाला 2 लाइनिंग कवर बनकर हमारा रेडी है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो इसी के साथ बहुत जल्द मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।